सो हे गाइस, न्यूज़ बॉय हियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं अक्षय कुमार के बारे में। तो आपको पता होगा अभी एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जहां पर पहले अक्षय कुमार 2018 में ये बोलते हैं कि वो जो गुटका वगैरह का प्रमोशन नहीं करते, उनको सब बहुत ज्यादा ऑफर्स वगैरह आते हैं गुटका प्रमोशन करने का, बट वो उन ऑफर्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो गलत चीज प्रमोट नहीं करेंगे। पहले वो ऐसा बोले होते हैं, लेकिन अभी रिसेंटली जो विमल का एड आता है वहां पर अक्षय कुमार भी होते हैं। तो उस चीज के बाद से जो बहुत ज्यादा वायरल हुआ वो वीडियो, बहुत ज्यादा लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो अभी का अपडेट ये है कि अक्षय कुमार ने जो इस चीज के लिए अपोलोजाइज कर लिया, वो है माफी मांग चुके हैं। यस, वो अपने इंस्टाग्राम एंड अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर ये पोस्ट किए थे, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, जहां पर वो ये बताया कि वो जो अब से वैसे टाइप के प्रमोशन नहीं करेंगे। वो यहां पर बताते हैं, योर रिएक्शन ओवर द पास्ट फ्यू डेज हैज डीपली अफेक्टेड मी। व्हाइल आई हैव नॉट एंड विल नॉट एंडोर्स टोबैको, आई रिस्पेक्ट द आउटपोरिंग ऑफ योर फीलिंग्स इन लाइट ऑफ माय एसोसिएशन विद विमल इलायची। विद ऑल ह्यूमिलिटी आई स्टेप बैक, आई हैव डिसाइडेड टू कंट्रीब्यूट द एंटायर एंडोर्समेंट फी टुवर्ड्स अ वर्थी कॉज। एंड यहां पर वो इंपॉर्टेंट बात बताया, द ब्रांड माइट कंटिन्यू एयरिंग द एड्स टिल द लीगल ड्यूरेशन of the contract that is binding upon me. तो अभी तो आपको वो ads दिखेंगे due to contract है ना, but ये जो है कितना दिन या फिर महीने का contract रहता है, जैसे ये खत्म होता है आपको ads वगैरह दिखना बंद हो जाएंगे। तो ये तो हो गया। recently धीरू मौंचिक जो अक्षय कुमार को troll करते हुए एक video upload किया था उनके channel पर, वो कल ही upload किया थे, आज रात को जो अक्षय कुमार ने माफी मांग लिया है। तो उसके बाद जो उनको लोग जाके comment वगैरह करे, तो इस चीज के ऊपर वो react किए, आप देखिए वो क्या कहे। बोलो जुबा केसरी। सो गाइस, अगर तुमने आज का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बात की थी, कहते हैं अक्षय सर जो अक्षय कुमार, उन्होंने रिसेंटली विमल को प्रमोट करना शुरू किया, तो काफी लोग नाराज थे उससे, क्योंकि भाई वो बोलते हैं वो फिटनेस आइकॉन वगैरह है, कि स्वच्छ भारत अभियान ये वो सो, तो उस चीज को लेके उनको ट्रोल कर रहे थे काफी सारे लोग। तो मैंने वीडियो बना दिया था, तो जितने यूजुअली जैसे वीडियो पोस्ट करते हैं जितने व्यूज या रीच आती है उतनी नहीं आ रही थी अभी, बट मैंने खोल के देखा तो उसका ग्राफ ऊपर जा रहा था। भाई रात को तो जाता नहीं है, क्या सीन हो गया। तो उन्होंने पोस्ट डाली अभी कोई सॉरी बोलते हुए कि भाई मैं तो इलायची प्रमोट कर रहा था, लोगों ने तो बिन बात ट्रोल मार दिया, बट मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तो वही सब करके तो शायद पोस्ट डाला उन्होंने, तो लोग मुझे टैग मार रहे हैं, सर्च वर्च मार रहे होंगे यूट्यूब पे जाके, तो इसलिए रीच बढ़ रही होगी। तो मैं कह रहा था भाइयों, विमल वालों मेरी वीडियो मत हटाना, देखो प्लीज मेल कर देना मुझे अगर तुम्हें वीडियो से मेरी दिक्कत हो तो, ठीक है मैं इज्जत से हटा दूंगा, मगर कुछ भी नहीं करना मेरी वीडियो के साथ। ओके, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बात करने वाला हूँ बादशाह के बारे में। तो बादशाह का जो एक सॉन्ग आ रहा है 22nd of April को, एंड वो सॉन्ग किसके साथ होगा? जे बालविन के साथ। यस, एंड जे बालविन कौन है? ये एक ग्लोबल सुपरस्टार है जिन्होंने कुछ मैसिव हिट्स दिए, जैसे मी गैंटे जिसपे 3 billion से ज्यादा व्यूज है, एंड और भी सॉन्ग्स लाइक इंडा गेटो। ये वन ऑफ द बिगेस्ट एंड प्राउडेस्ट मूवमेंट्स है फॉर इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री, क्योंकि बादशाह जो कि इंडिया के बहुत बड़े आर्टिस्ट है, वो कोलैबोरेट करे जे बालविन के साथ जो कि ग्लोबल, ये इंडियन म्यूजिक सीन के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बादशाह को जो वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में रिकॉग्नाइज किया जाएगा विद द रिलीज ऑफ वुडू। वुडू रिलीज होगा 22nd of April 11 AM को। बादशाह, जे बालविन एंड टैनी तीनों के मिला के जो है स्पॉटिफाई में 100 million प्लस मंथली लिसनर्स है। ये पॉसिबली वर्ल्ड का बिगेस्ट कोलैबोरेशन होगा, क्योंकि ये सॉन्ग जो है ओवर 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन को रीच करेगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप जाके रिमाइंडर सेट कर सकते हो। बादशाह इंडिया को रिप्रेजेंट करे, तो लेट्स सपोर्ट हिम एंड वुडू को एक मैसिव हिट बनाते हैं, लेट्स डू दिस। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में बात करते हैं, ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। तो जैसे कि मैं आपको कल के वीडियो में बताया था कि कैरी मिनाटी ने जो ट्रिगर्ड इंसान को रोस्ट किया, ट्रिगर्ड इंसान स्काउट मॉडल एंड कैरी मिनाटी का जो एक शो आ रहा है प्लेग्राउंड करके, गेमिंग एंटरटेनमेंट शो है बेसिकली वो, एंड सारे मॉडल स्काउट ट्रिगर्ड इंसान कैरी मिनाटी अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो वगैरह अपलोड किए थे जहां पर वो एक दूसरे को रोस्ट कर रहे थे। तो ट्रिगर्ड इंसान जो है वो वीडियो अपलोड नहीं किए थे, लेकिन फाइनली वो अपलोड कर दिए। मैं आपको वो वाला पार्ट दिखाता हूं जहां पर वो कैरी मिनाटी को रोस्ट किया, क्योंकि मैं कल कैरी मिनाटी ने ट्रिगर्ड इंसान को रोस्ट किया वो दिखाया था। हेलो 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 गाइस, तो प्लेग्राउंड में मेरे अगेंस्ट मेरे 3 प्यारे मित्र कैरी मॉडल और स्काउट आ रहे हैं, जिनके बारे में बस दो शब्द बोलना चाहूंगा। वैसे तो मैं बहुत ही शरीफ सा लड़का हूं, तो मैं क्या ही बोल सकता हूं, लेकिन शराफत से आधा हमारा मॉडल तो शराफत की मूर्त है। वो गाना ना, मैं ढूंढने को जमाने में जब शराफत निकला, पता चला वो तो मॉडल निकला। मॉडल इतना शरीफ है कि इसके बारे में बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, बस कभी कभार लाइव स्ट्रीम पे। इसके बाद हमारे स्काउट ओपी, देखो अपने नाम के सामने ओपी लगा लेने से कोई सच में ओपी नहीं हो जाता। स्काउट वैसे तो तू बहुत ही प्यारा दोस्त है मेरा, लेकिन स्काउट की एक स्टोरी है। एक लड़का मेरे को मिला, मैंने उससे पूछा भाई तेरा फेवरेट यूट्यूबर कौन है, कहता स्काउट ओपी। मैंने कहा अच्छा करता क्या है? कह रहा गालियां बहुत अच्छी देता है। मैंने कहा अबे पर करता क्या है, गेमर है, पबजी खेलता है, कुछ नहीं, गालियां बहुत अच्छी देता है। स्काउट भाई प्लेग्राउंड है, गाड़ी में बैठ के हिंदुस्तानी भाव वाली वीडियो नहीं बना। एंड लास्टली कैरी मिनाटी, अच्छा एक बिना गोलियों वाली गन और कैरी मिनाटी में क्या सिमिलैरिटी है बताओ?
गेमिंग में दोनों का कोई काम नहीं है, तो एक गेमिंग शो में कैरी क्या कर रहा है? ऊपर से कैरी कहता है कि मैं बहुत ज्यादा लंबा हूँ। कैरी तू बहुत ज्यादा छोटा है, तू इतना छोटा है कि जब तू पैदा हुआ था डॉक्टर्स को माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ी थी ये चेक करने के लिए कि एक लड़का है या लड़की है। कैरी अगर मैं शिनचैन हूँ और मैं हंसता रहता हूँ बात बात पे तो तू छोड़ भाई, तेरी 5-year-old ऑडियंस पड़ जाएगी मेरे पे। वैसे तो मेरी भी सेम ही ऑडियंस है। एनीवेज गाइस, प्लेग्राउंड में अपुन आरएल है और हम ही जीतेंगे यार। अच्छा कल आपको पता होगा कैरी मिनाटी ने फुकरा इंसान को भी रोस्ट किया था, तो कैरी मिनाटी के उसी वीडियो के नीचे फुकरा इंसान भी कमेंट किए थे, वो लिखे चलो सुपर चैट याद तो है, बेसिकली सुपर चैट को लेकर रोस्ट किए थे कैरी मिनाटी। और यहाँ पर ट्रिगर्ड इंसान का बात हो गया तो बता दो, एक बंदे ने ट्रिगर्ड इंसान को टैग किया था जहाँ पर लिखा हुआ था यहाँ पर क्या आना चाहोगे सर, आके हॉरर गेम खेल लेना। बेसिकली वो बंदा जो है डरावनी जगह दिखाया था, तो उसका ट्रिगर्ड इंसान रिप्लाई दिए जगह बताओ अभी जाके गौरव जोन वाला चैलेंज करके आता हूँ। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में बात करते हैं, पारस ऑफिशियल के बारे में। तो आपको पता होगा पारस का केस को लेकर जो भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो ऐसे कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वगैरह है ना शेयर करने से मना की है पुलिस। लेकिन कल पीपल अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया जहां पर वो काफी सारे एविडेंसेस शो किए, वहां पर वो सीसीटीवी फुटेज या फिर डाकू विलेन का जो नाम मतलब की आइडेंटिटी वो भी दिखाए, FIR कॉपी वगैरह दिखाए थे। ऑल्सो वो कुछ सजेशन भी दिए थे पुलिस को कि वो कैसे इन्वेस्टिगेशन कर सकती है ना। वो एक बताए थे कि पुलिस को जो यूट्यूब इंडिया से कॉन्टेक्ट करके डाकू विलेन ने जितने भी वीडियोस डिलीट या फिर प्राइवेट किए वो निकालने चाहिए क्योंकि वहां पे कुछ एविडेंसेस मिल सकते। तो ऐसे टाइप का वो एक वीडियो अपलोड किया था उनके चैनल पर, आप जाके देख सकते हो, लिंक मैंने इसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर ये भी बताते कि पारस ऑफिशियल का जब अरुणाचल प्रदेश वाला केस हुआ था तब सारे बड़े यूट्यूबर्स उसके अगेंस्ट में बोल रहे थे, लेकिन अब जब उसको सपोर्ट करने का बात आया तो बड़े यूट्यूबर्स उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन यहां पर एक अपडेट है, ट्रिगर्ड इंसान अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखे ग्रेट वीडियो बाय पीपॉय सर ऑन द पारस केस, डू वॉच इट, एंड वो लिंक भी शेयर किया जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर। एंड पीपॉय ट्रिगर्ड इंसान के उस स्टोरी को रीमेंशन किया एंड लिखे जस्टिस फॉर पारस, कहा था ना कुछ लोग जरूर आगे आएंगे, एंड पारस ऑफिशियल को टैग किया जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर। एंड उसको जो है पारस ऑफिशियल भी रीमेंशन किया एंड लिखा थैंक यू सो मच। अब ये तो हो गया सपोर्ट वाला बात, लेकिन यहाँ पर सुपर खालसा अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किए जहाँ पर वो गुस्सा है पीपॉय से क्योंकि उन्होंने जो कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह लीक कर दिए थे। उनके वीडियो का मैं छोटा सा क्लिप दिखाया, तो अगर आपको उनका पूरा वीडियो देखना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके देख सकते हो। कहां तक बंदों को उन्होंने ट्रेस कर लिया है? अब आपको लगता है कि आपने वो सारी बातें बता दी है वो बंदे वहां पे रुकेंगे? आपने सारी बातें शेयर कर दी कि वो बंदा वहां पे है, इस समय पुलिस वहां तक पहुंच चुकी है, अब पुलिस आपके घर के दरवाजे के बाहर खड़ी हुई है, आपने उनको बता दिया है, तो वो बंदे अलर्ट नहीं होंगे, वो बंदे वहां से भागेंगे नहीं? तो भाई आप एक शक्ल से पढ़े लिखे इंसान लगते हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा इसमें क्योंकि मैं इसको कॉन्ट्रोवर्सी नहीं बनाना चाहता, मुझे बहुत बुरा लगा। हम लोग मेहनत कर रहे हैं इतनी गर्मी में, जा जाके 3-4 बार वहां पे जा चुका हूं और दूसरे शहर जाता हूं, घूमता हूं, कभी किसी के पास कभी किसी के पास अपडेट लेता हूं, तो आप पुलिस के केस को खुद ही वीक कर रहे हो। आप खुद ही उनको बता रहे हो कि पुलिस आपके पास पहुंच गई है, वहां से निकल जाओ। ऐसी बातें आप लोगों ने शेयर कर दी। आपने सीसीटीवी फुटेज किसे पूछ के शेयर की पहले मुझे ये बताइए। आपने जो उनकी लोकेशन बताई है वो किससे पूछ के शेयर की है? आपने FIR की कॉपी दिखाई है? क्या आपने पुलिस वालों से परमिशन ली है उनकी? आपने जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी जो वो रिसर्च कर रहे थे केस के ऊपर, जो भी उनकी इन्वेस्टिगेशन थी, आपने उनसे परमिशन ली है शेयर करने की? आपने कैसे ये सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी? अभी तक कोई बंदा अरेस्ट नहीं हुआ जब तक इस केस में। और मेरे एक बहुत सो कॉल्ड जासूस भाई ने यूट्यूब पे व्यूज के चक्कर में और भी अब लोग उस वीडियो को उठा उठा के डाल रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन लीक कर दी भाई उनकी, और अभी पुलिस वालों का कोई रिएक्शन नहीं आया इसके ऊपर। मुझे नहीं पता वो क्या रिएक्शन करेंगे इसके ऊपर, क्या रिएक्ट करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भाई तूने लीक कर दी। तो पीपल ऐसा डायरेक्ट रिप्लाई तो नहीं किया लेकिन इनडायरेक्ट रिप्लाई इस चीज के ऊपर किए, वो आप देखिए वो क्या कहे। कई बार लड़ाइयों में आपको सोल्जर्स की जरूरत पड़ती है और साथ साथ आपको घर बैठे स्ट्रेटजिस्ट की जरूरत भी पड़ती है। कई बार एक फाइटर चलाने वाला आसमान में चला जाता है तो उसी फाइटर जेट को मार दिखाने वाला एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में बैठ के वो लड़ाई लड़ता है। किसी की भी लड़ाई कम नहीं होती, मेरी लड़ाई ज्यादा तेरी लड़ाई कम, मैंने भी ये किया तूने ऐसा क्यों किया। अपनी ही टीम को धराशाय करवा देते हैं वो लोग जो अपनी ही टीम के गोल में गोल दाग देते हैं, अपना ही हिट विकेट कर देते हैं। ऐसे बचपने में चीजें नहीं करनी चाहिए। यही बोलूंगा,
और क्या? तो चलिए अगले अपडेट के बारे में बात करते हैं, फुकरा इंसान के बारे में। तो फुकरा इंसान जो न्यू वीडियो अपलोड किया उनके चैनल पर, वहां पर उनको थोड़ा सा हेट मिल रहा है। हेट किस लिए, मैं आपको एक दो कमेंट्स पढ़ के सुनाया तो आप समझ जाओगे। ब्रो डोंट वेस्ट फूड प्लीज, भाई खाने को वेस्ट मत करो, वेस्टेज ऑफ फूड। तो बेसिकली वैसे टाइप का वीडियो था जहां पर फूड्स को थोड़ा सा ना वेस्ट किया गया था। तो उसका जो है फुकरा इंसान रिप्लाई किया, वो लिखे डिस्क्लेमर, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स यूज्ड इन द वीडियो वेर एक्सपायर्ड लाइक केचप्स और डैमेज्ड लाइक गोलगप्पे व्हिच वर सपोज्ड टू बी थ्रोन और रिप्लेस्ड, वी नेवर इंटेंड टू वेस्ट फूड। सो जैसे कि वो बताया मोस्ट ऑफ द फूड जो वो वेस्ट किए वो बेसिकली एक्सपायर्ड या फिर डैमेज्ड फूड थे, जिनको या फिर फेंका जा सकता था या फिर रिप्लेस किया जा सकता था। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में बात करते हैं, अमन धतरवाल के बारे में। तो अमन धतरवाल का जो एक सेमिनार था जिसको लेकर जो कुछ इशू हो गया उसके बारे में बताते हुए वो कुछ स्टोरीज पोस्ट किए, मैं आपको दिखाया तो आप समझ जाओगे। हाय एवरीवन, आज कुछ ऐसा हुआ जो पहले यार कभी नहीं हुआ 3-4 सालों में। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चों को मैंने इनवाइट किया क्योंकि माता सुंदरी कॉलेज ने मुझे एज अ स्पीकर नियोता दिया था और आज सेमिनार था, तो मैं एकदम रेडी, जैसे कपड़े आपने अभी देख रखे हैं, अभी की बात है, अभी जस्ट वापस लौटे हैं। 15 मिनट दूर था कॉलेज और इवेंट को स्टार्ट होने में थे 45 मिनट्स। मैं कैब में बैठा हूँ तो मेरे पास कॉल आता है कि इवेंट कैंसिल हो गया है। हमारी टीम ने जब कॉल करके पूछा तो उधर से एक प्रोफेसर रिप्लाई देते हैं, बड़े रूडली टीम से बात करते हैं और कहते नहीं हो रहा। तो हमें नहीं समझ में आया क्योंकि हमने उनके कहने पे इंस्टाग्राम पे लाखों बच्चों को कह दिया था कि मैं DU आ रहा हूँ। तो मेरा बहुत मन था यार माता सुंदरी के सभी स्टूडेंट से मिलने से, साथ में DU के जो बच्चे हैं। ये 90 सेमिनार लिए इसलिए क्योंकि हमेशा कैमरा पे होते हो, कभी असलियत में मिलते हो, बहुत अच्छा लगता है आप सभी लोगों से मिलके। तो कोई बच्चा अगर मेरे बुलाने से आ गया था तो आई एम वेरी सॉरी, मुझे अभी भी नहीं पता रीज़न क्या है राइट, पर चलो ठीक है यार, दोबारा मुलाकात होगी। इसमें यार मैं स्टोरी भी पोस्ट नहीं करता, अपने काम में लग जाता, पर हम एज अ स्पीकर कभी चार्ज नहीं करते, आज तक नहीं किया। पर ये जो इवेंट था, ये इवेंट की एक टिकट थी 1100-1100 की जो बच्चों से ली जा रही थी कॉलेज द्वारा। तो ऐसे में अगर कोई, मैंने 70-80 हज़ार बच्चों को बोला कि भाई आओ आप सेशन अटेंड करना, वो आ गया हो और अब मैं वहाँ हूँ नहीं, क्योंकि इवेंट स्टार्ट होने में 45 मिनट थे जब वो कैंसिल हुआ। मैं लगभग 15 मिनट में पहुँचने वाला था वहाँ पे, कोई लेट का केस नहीं है, इनफैक्ट टाइम से पहले हैं। और मेरी टीम को भी नहीं समझ में आया क्योंकि टीम की किसी प्रोफेसर से बात हुई जिन्होंने कहा कि जी हम अभी बात नहीं कर सकते। मैंने कहा मुझे बात करनी है, उन्होंने कहा नहीं जी करनी है, सीधी करो वैसे करो, थोड़ा रूडली हुआ। जो भी हुआ, इस मंथ में 2-3 सेमिनार और हैं दिल्ली में, तो अगर उन बच्चों का मिस हो गया है तो आगे जरूर मुलाकात होगी, मैं इंस्टाग्राम पे जरूर आपको अपडेट करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी या। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में बात करते हैं, नेटफ्लिक्स के बारे में। तो अभी नेटफ्लिक्स चर्चे में है, ठीक है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ क्यों। नेटफ्लिक्स रिवील्ड दैट 2 लाख पीपल लेफ्ट द स्ट्रीमिंग सर्विस इन द फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ द ईयर, मेकिंग इट्स फर्स्ट फॉल इन सब्सक्राइबर्स इन मोर देन 10 ईयर्स। यस, नेटफ्लिक्स ने जो है 2 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स लूज किया है, एंड ऐसा पहली बार हुआ है पिछले 10 सालों में। आप लोगों का क्या कहना है इस पे, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में बात करते हैं, अमित भड़ाना के बारे में। तो अमित भड़ाना का न्यू वीडियो जो है राजपाल यादव के साथ आ रहा है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बहुत वीडियो में बता चुका हूँ, तो वो कब आ रहा है वो तो पता नहीं, लेकिन अमित भड़ाना एक स्टोरी पोस्ट के नई वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, एंड वो बताए न्यू YT वीडियो है, आप देख सकते हो उनके साथ जो है राजपाल यादव है। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।